भरी दोपहरी है, पूर्वी दिल्ली का शकरपुर मेन मार्केट है। तापमान कितना है पता नहीं, लेकिन धूप में खड़े होकर यकीन मानिए शरीर जल रहा है। जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, यूपी हरियाणा पंजाब में रहते हैं, वो समझ सकते हैं कि इस समय भरी दोपहरी में धूप में खड़ा होने का क्या मतलब है। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ दो चीज़ जानने के लिए। एक तो इस गर्मी में, ये जो बेइंतहा गर्मी इस बार पड़ रही है, इसमें लोग कैसे काम चला रहे हैं, और दूसरा जो दिल्ली के ऊपर बिजली संकट मंडरा रहा है कोयले की कमी की वजह से, उसके बारे में अभी क्या स्थिति है, लोग क्या सोच रहे हैं। नमस्कार जी, मैं NDTV से हूँ शरद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है जी। राधेश्याम जी, गर्मी में कैसे काम चल रहा है अभी? गर्मी में देखिए, जब गर्मी हद से ज़्यादा होती है, गर्मी ट्रेडर है? मैं ट्रेडर हूँ। हाँ ठीक है। गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जैसे कि आजकल 45 डिग्री तक क्रॉस कर रहा है जो टेम्परेचर जो है, हाँ। इससे जो है किसी भी व्यापारी के व्यापार पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग जो है घर से निकलने को तैयार नहीं होते। इसके बावजूद जो है, अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसकी कोशिश ये होती है, हाँ। कि अपने घर के नज़दीक से कुछ भी सामान मिलता है वो ले ले, वो बाज़ार में नहीं आता। वो जो है गर्मी ज़्यादा है, इतनी गर्मी है जिसका कोई हिसाब नहीं जो है। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए जी। राहुल बंसल। राहुल बंसल, अब देखिए बाहर से जैसे धूप में से जरा सा अंदर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है AC चल गया होगा, यहाँ सिर्फ पंखा चल रहा है। क्या नाम बताया आपने? राहुल बंसल। ठीक है, कैसे गर्मी में कैसे काम चला रहे हैं जी? सर गर्मी में ठीक है, लेकिन अभी बिजली की समस्या नहीं है। मैंने आज सुना है कि कोयले की समस्या होने वाली है। अच्छा, अगर कोयले की समस्या होगी तो बिजली की समस्या हो जाएगी, और आज के समय में बिना बिजली के रहना तो पॉसिबल है ही नहीं। हर घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर लाइट की समस्या होगी तो जीना मुहाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। मतलब बैकअप के तौर पे कुछ है आप लोग? सर बैकअप का तो ये है कि आजकल बिजली की समस्या अभी पिछले से कुछ समय से तो नहीं है। अच्छा, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों ने इन्वर्टर हटा दिए हैं। अच्छा, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, इस वजह से इन्वर्टर वगैरह नहीं रखते? इन्वर्टर हटा दिए सर। अगर इन्वर्टर होगा अभी तो कितना बैकअप देगा सर? अच्छा, जो नेचुरल हम लोगों को बिजली मिल रही है इस समय, और उसके जगह इन्वर्टर लगाएंगे तो इन्वर्टर बैकअप कितना देगा? वो इन्वर्टर से लाइट चलेगी कितनी? खाली पंखे चलेंगे, हाँ। और आज की तारीख में AC हर घर के अंदर है, कूलर हर घर के अंदर है, हाँ। तो इन्वर्टर के ऊपर आपका कूलर और AC तो चलाना पॉसिबल है ही नहीं। मुझे लगता है कूलर पे भी चल जाएगा, AC नहीं चल सकता इन्वर्टर के ऊपर, हाँ। तो सरकार को चाहिए कि अगर कोयले की समस्या हो रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालें, उसको सॉल्व करें, हाँ। वक्त रहते इस समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो दुकानदार हैं, एक छत है इनके पास में, पंखा भी चल जा रहा है, लेकिन जो खुले में खड़े होकर फल बेच रहे हैं, देखिए इनका भी काम है। क्या नाम है जी आपका? विनोद जायसवाल है। विनोद जायसवाल, क्या आपका है जी? ठीक है, गर्मी में कैसे काम चला रहे हैं? अरे बड़ी दिक्कत से चलती है, गर्मी तो है ही है, अब क्या करें, जैसा चलना है। रोड में तो यही कमाना खाना बेचता है। मतलब कैसे है? मतलब सर पे छत भी नहीं है, जब लू चले तो लू, बरसात हो तो बरसात, बरसात है तो बरसात है, झेलना पड़ता है भाई साहब। जब पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ जाता है, हम तो भाई झेलते ही रहते हैं। अच्छा, अब आपको सुनने में आया बिजली संकट हो सकता है, कोयले की किल्लत हो रही है, ये सुनने में आया आपको? ये तो सुनने में तो हर चीज़ की महंगाई ऐसे सुनना मिलता है कि जैसे लग रहा पेट पालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब वो तो झेलना ही पड़ रहा कैसे जैसे क्या। मैडम नमस्कार, मैं NDTV से हूँ। आपका क्या नाम हुआ? ये शकरपुर में रहती हैं आप जी? नहीं, कहाँ रहती हैं? मैं जांगीपुरी से आई। अच्छा, गर्मी में कैसे काम चल रहा है? बहुत बुरा है, या तो मैं रिश्तेदारों से मिलने आई हूँ। हाँ ठीक है, मिलने पर ये भी बड़ी हिम्मत की बात है, इतनी गर्मी में आगे से मिलने आ गए। लोग अपने घर से बाहर तभी निकल पा रहे हैं जब बहुत जरूरी काम हो, ये तो बहुत जरूरी होगा। जी हाँ। अच्छा, बिजली संकट के बारे में सुना आपने, के आ सकता है? ये चार कर दो, ये पूरे तीन मत करो। हाँ भाई, जितना कह रहे हैं उतना कर दीजिए भाई। नहीं तो अभी बिजली की स्थिति क्या है आप लोग के यहाँ? हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती, आज मैंने 2 मिनट के लिए जाती है राजा। अच्छा, लाइट जाती ही नहीं आपके यहाँ? जागीपुरी में ये सबसे है, ये लाइट नहीं जाती है। अब देखिए, जिनके आप लाइट बिल्कुल जाती ही नहीं, उनसे आप बिजली संकट की बात करने लगे तो आप सोच ही नहीं पा रहे होंगे कि बिजली संकट क्या होता है। ठीक है, शुक्रिया, आगे आइए। अब गर्मी के अंदर एक गन्ने का रस जो है राहत पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। नमस्कार जी, आप यहीं रहते हैं जी? मैं लक्ष्मीनगर में नोएडा से हूं सर। अच्छा, नोएडा से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ के काम के सिलसिले में आए हैं? मैं काम के सिलसिले में, मेरे PGs चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। अच्छा जी, हाँ जी। तो गर्मी में कैसे काम चल रहा है? सर गर्मी में बढ़िया काम है, अगले महीने से थोड़ा हल्का हो जाएगा। क्यों? जो स्टूडेंट्स हैं वो छुट्टियों में अपने घर वापस जाएंगे। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, अभी तो काम ठीक है। अच्छा, कंपनी मतलब काम वैसे चल जा रहा है, काम चला रहे हैं? काम चल रहा है, बस
फोर्थ वेव की थोड़ी सी चिंता है। अच्छा, कोरोना की, कोरोना की फोर्थ वेव की, अगर वो नहीं आती है तो काम ठीक है। अच्छा, और आपने बिजली संकट के बारे में सुना है कुछ कि कोयले की क्राइसिस हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट क्राइसिस है। हाँ। तो जो कोयले की पेमेंट्स नहीं हो रही है कंपनी से, अच्छा, वो क्राइसिस है, उसकी वजह से जो कट ऑफ आ रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। और बैकअप सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तो आप नोएडा में रह रहे हैं, नोएडा में पावर कट लग रहे हैं? सर इतने नहीं है, दिल्ली में ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, वैसे दिल्ली में हमने बात करी, अभी तो यहाँ मना कर रहे हैं, आगे हो तो नहीं कह। सर नोएडा के कंपैरिजन में दिल्ली में ज़्यादा है। अच्छा, नोएडा में 24 घंटे बिजली आ रही है। अच्छा, ये हो रहा है क्योंकि हम पूरा बिल देते हैं, क्योंकि हमारे मैं गाजियाबाद रहता हूँ, गाजियाबाद में तो नहीं हूँ, नोएडा में है, नोएडा 24 घंटे नहीं आ रही, नोएडा नो पावर कट जोन में है। अच्छा ठीक है, अभी तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब अभी सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ जी? तुषार। हाँ जी तुषार। यहीं रहते हैं शकरपुर में? कहाँ रहते हैं? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन। पावर की क्या स्थिति, मतलब बिजली क्या स्थिति आपके यहाँ? सही है, अभी तो बढ़िया चल रहा है। मतलब कितने बिजली कितनी आ रही है, जैसे ये बता रहे हैं कि दिल्ली में ज़्यादा कट लग रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा, मतलब बिजली की अभी समस्या नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं है, आगे हो जाए तो कह नहीं सकते। अच्छा, नहीं वो जब बिजली संकट की बात कही जा रही है आगे, सुना है आपने? हाँ, सुनने में तो आई रही चीज़ है, बट अभी तो ठीक ही चल रहा है, पूरे दिन घर पे होते नहीं है, बाहर ही होते हैं, तो मतलब पीछे से ऐसा कुछ कंप्लेंट आया नहीं कि बहुत ज़्यादा जा रही हो, बीच में अगर जाएगी भी तो आप कह सकते हो 15-20 मिनट्स के लिए जाएगी, तो मतलब बहुत वो इन्वर्टर कवर कर ही सकता है। अच्छा। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं, तो अभी तो नहीं है फिलहाल। अच्छा, मतलब अभी दिक्कत नहीं, पर आगे हो तो कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? पवन नाम है सर। पवन जी, यहीं आप रहते हैं या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, यहीं रहता हूँ, स्टूडेंट। अच्छा, कैसे गर्मी में कैसे काम चला रहे हैं? सर कोल एलोकेशन का सुना था, कुछ प्रॉब्लम आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, कोल की कमी है। हाँ। तो उन्होंने सेंटर से बात किया है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो ठीक चल रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। अच्छा। हाँ। मतलब कितने घंटे आ जा रही है, कितने के कट लग रहे हैं? नॉर्मली आ रही है सर, कुछ तो एक दो मिनट के लिए जाए तो जाए, नहीं जाए नहीं, अभी तो नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, अभी अभी एक दो मिनट की ही प्रॉब्लम है, अभी आज तक नहीं है सर। अच्छा, फ्यूचर वॉन किया है, आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। हाँ, नहीं फ्यूचर तो कोई भी नहीं जानता। नहीं, कल के लिए वॉन किया गया, जैसे कि एलोकेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, कोयले की वजह से। हाँ, कोयले की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ। तो वो कोयले का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आगे के लिए कहते हैं, पर अभी बिजली सप्लाई ठीक है। ठीक है सर। और गर्मी तो है ही सर, उससे क्या कह सकते हैं, गर्मी तो है ही, इसमें क्या कह सकते हैं। राम राम जी, आपका क्या नाम हुआ? शुक्रिया जी, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम कोकिल है जी। कपिल? कोकिल। कोकिल। हाँ। अच्छा, गर्मी में कैसे काम चला रहे हैं? क्या करें? हाँ, क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। आपको तो काम भी मेहनत का है कि अगर रिक्शा लेके जाएंगे तो ये भी नहीं कि जूं जूं करके चले गए। हाँ। क्या मेहनत करके ही पैर चला के ताकत लगा के जाना है। हाँ जी। हाँ। चल रहा है। हाँ। मेहनत मजदूरी किए बिना काम चलेगा नहीं। चलेगा नहीं, सही बात। ठीक है मैडम, नमस्कार, मैं NDTV से हूँ। स्कूल से ला रहे हैं बच्चों को? हाँ जी। ओहो, गन्ने का रस पिला रहे हैं जी? हाँ जी। अच्छा, गर्मी में कैसे काम चल रहा है जी आपका? बहुत बहुत बुरा हाल है। आप शकरपुरी रहती हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ जी आपका? दिव्या। दिव्या जी, बिजली की क्या स्थिति है आपके यहाँ? बिजली फिलहाल ठीक चल रही है, ऐसे कुछ ज़्यादा कट नहीं रही है। अच्छा, ठीक है अभी, लेकिन ये है कि बाहर बहुत बुरा हाल है, बच्चों को लाने में स्कूल में बहुत दिक्कत है। क्यों, गर्मी लग रही है? बताओ। हाँ, कौन सी क्लास में है? सेकंड में। ओह, अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी का नहीं पता होगा, लेकिन ये आपने सुना है कि बिजली संकट की बात कही जा रही है? हाँ जी। हाँ, तो मतलब आपने कुछ बैकअप वगैरह सोचा है इस तरह का कुछ? हाँ, इन्वेटर्स लगे हुए हैं घर में हमारे। अच्छा, लगे हुए इन्वेटर्स। हाँ जी। अच्छा, उससे काम चलाएंगे फिर? लेकिन ज़्यादा हो गया तो इन्वर्टर भी नहीं लोड ले पाएगा। हाँ, नहीं बट कटनी नहीं चाहिए गर्मी में, बच्चों के साथ दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, बाय। तो ये स्थिति है, बिजली की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन आगे अगर संकट होता है तो उस हिसाब से लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। हालात जो सुधर सकते हैं वो दो ही तरीके से सुधर सकते हैं, या तो जो कोयले की उपलब्धता है वो बढ़ाई जाए ताकि बिजली का उत्पादन बढ़े और जो लोग बिजली की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं उनको सप्लाई मिल जाए, या फिर दूसरा यही तरीका है कि ये कहा गया है कि 2 तारीख के आसपास दिल्ली में बरसात हो सकती है, अगर बरसात हो जाए तो फिर तो जो बिजली की डिमांड है वो नीचे आ ही जाएगी, और जब बिजली की डिमांड नीचे आ जाएगी तो फिर जो कोयले का संकट है वो बहुत ज़्यादा मायने शायद ना रखे। शकरपुर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।